अभी सुबह के 2:42 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं शिमला के लिए फॉर वीडियो वर्क ऑफ राहुल जैन। राहुल जैन इज अ वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, हिज फेमस सिंगर। आपने कुछ इनके ऐसे सॉन्ग सुने होंगे। अगर आप पूरी जर्नी देखना चाहते हो कि एज अ फ्रीलांसर मैंने कैसे वर्क किया या आप कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा। इसमें हम देखेंगे कि हम एक अभी फेमस आर्टिस्ट के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से हम ट्रैवल कर रहे हैं और किस तरीके से उनको मैनेज कर रहे हैं और उनको कैसा आउटपुट निकाल के दे रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो में बहुत कुछ है जिसे देख के आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी राहुल जैन काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट हैं और उनके आर्ट की जो है, उनकी कला की काफ़ी रिस्पेक्ट है। हम भी करते हैं और सभी लोग करते हैं। इनके साथ वर्क करना एक तरीके से एक इंसिडेंट था। मैंने इनको इंस्टा पे मैसेज किया था जब ये दिल्ली आ रहे थे मुंबई से, तो मैंने टेक्स्ट किया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में वर्क करने के लिए कुछ ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा कि यस सेंड मी योर वर्क। मैंने उनको अपना वर्क भेजा, अपनी काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक भेजे, देन उन्होंने सीधा डन किया वर्क, मतलब अपना नंबर शेयर किया। देन हमने बात करी, पूरा कोऑर्डिनेट किया कि वो कैसे आ रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, फिर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। उस दिन हमने एक छोटा सा कवर सॉन्ग शूट किया वहीं पे जहाँ वो आके रुक रहे थे अपने इवेंट के लिए, तो जहाँ होटल वगैरह था वहाँ पे हमने फटाफट सॉन्ग शूट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम इनसे मिले थे। एंड अभी जो है, अभी इनका फ़ोन आया कुछ दिन पहले कि ये शिमला जा रहे हैं, इस बार भी ये इवेंट के लिए ही जा रहे हैं और उस बीच हम लोगों को लेके जा रहे हैं जहाँ हम होटल में रहेंगे। हम इवेंट शूट करने नहीं जा रहे हैं, हम वैसे ओनली म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, तो हम वहाँ उनके साथ रहेंगे। देन उनके इवेंट से पहले जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा और बाद में जो थोड़ा सा टाइम होगा, उसमें हमें 2 सॉन्ग्स निकालने हैं उनके, जो कवर्स नहीं है इस बार, जो ऑफिशियल्स हैं। एक सॉन्ग है कलर्स टीवी के लिए एंड एक सॉन्ग है उनका खुद का जो उन्होंने स्पेशल पहाड़ों के लिए बनाया है। मैं दोनों सॉन्ग्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले हमारे पूरा काम करने का तरीका देखना, कितनी मेहनत लगी है, किस तरीके से निकाला है हमने, उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे तो अलग ही मज़ा आएगा, तब जाके वो लिंक चेकआउट करना। एंड आप देखो, फ्रीलांसर को किसी भी टाइम उठ के जाना पड़ सकता है। हम सुबह के 3 बजे से भी पहले निकल रहे हैं शिमला के लिए, जिससे हम सुबह वहाँ पहुँच जाएँ और जो हमारे पास दिन का टाइम है उसमें हम कुछ शूट कर सकें। हम 3 लोग साथ में जा रहे थे, मैं, दीपक और एक राहुल जैन के इवेंट्स में ही जो तबला प्ले करते हैं वो भी साथ ही थे हमारे, बहुत ही अच्छा तबला प्ले करते हैं। वैसे हम रेयरली ही इस टाइम पे उठते हैं, ऐसे टाइम पे कोई भीड़ नहीं होती, ना हमें कोई देख रहा होता है, और इस वक्त तो चांद हमें ज़रूर देखा। आई थिंक हम सब कभी ना कभी ऐसे टाइम में बाहर ज़रूर निकले होंगे। अगर आप भी कभी अकेले बाहर गए ऐसे टाइम पे, तो वो कौन सा टाइम था, आपने क्या फील किया, वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और सुबह पहाड़ों से घिरे सफ़र में जब बारिश होने लगे, तो ये सफ़र और भी सुंदर हो गया। देन हम होटल पहुँचे और राहुल भाई से मिले, हमने लंच किया, देन कुछ प्लानिंग्स करी, सारा कुछ डिस्कशन किया कि किस किस टाइप का हमें शूट निकालना है और किन टाइमिंग्स के बीच निकालना है। उन्होंने सब कुछ अपना शेड्यूल बताया कि मेरा इस टाइम शो है ऐसे वैसे। देन हमने पूरा उसको प्लान किया विद इन अ डे तो हमें पूरा शूट करना था, मतलब विद इन अ मोमेंट हमने फटाफट प्लान किया उसको। विदाउट रेस्ट हम दिल्ली से डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश में शिमला पहुंचे थे, हमने कोई रेस्ट नहीं किया। देन हम डायरेक्ट निकले थोड़ी ही देर में शूटिंग के लिए, उन्होंने कुछ कपड़े वगैरह लिए, वो भी डिसाइड किया हमने कि क्या क्या रखना है, देन हम निकल गए। तो यहाँ पे हम अभी अलग अलग लोकेशंस देख रहे हैं कार से, जो भी हमें लोकेशन सूटेबल लग रही है हम वहाँ उतर के शूट कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हम कार वहीं रोक रहे हैं, यानी कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है या हमने कोई पेड लोकेशन बुक नहीं की है, बस हम कार में टहल के लोकेशन देख रहे हैं और जहाँ भी हमें लग रहा है कि यहाँ शूट निकल सकता है, हमारे कुछ सिंक पार्ट्स निकल सकते हैं, उस हिसाब से हम शूट कर रहे हैं। क्योंकि ये शूट हम ऐसे ही फ्री स्टाइल वे में कर रहे हैं, हमने कोई प्लान नहीं किया, कोई बड़े लेवल पर शूट नहीं कर रहे, हम बेसिक इक्विपमेंट से ही शूट कर रहे हैं। एंड नॉर्मल लोकेशंस पे जो हम निकाल सकें, नॉर्मल लोकेशंस मतलब पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे सिर्फ शूट नहीं होते हैं, वहाँ पे काम चल रहा होगा, गाड़ियाँ आ जा रही होंगी, बस हमें इन सभी चीज़ को फेस करते हुए कैसे भी यहाँ पे अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है, जितना बेटर हम दे सकें। और लगभग हमने आज का काम पूरा कर दिया, क्योंकि आज में हमें लगभग 80% शूट निकालना था, कल हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अब एक ही दिन में लगभग शूट डन था, थोड़े बहुत टेक्स लेने बाकी थे अभी,
फिर उनका रात को इवेंट भी हुआ, देन हम वापस होटल में आए। अब हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था रात को, देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर शूट के लिए निकल गए, क्योंकि हमें अब फटाफट दिल्ली लौटना था और राहुल भाई को मुंबई जाना था। अब हमने वो शॉट्स कंप्लीट किए जो हमारे रह गए थे और हमने दोनों सॉन्ग्स लगभग लगभग कवर कर दिए थे। ये शूट कोई बड़े लेवल पे प्लान नहीं थे, ये बस रैंडम शूट, मतलब चलते फिरते निकालना था हमें, क्योंकि सिर्फ राहुल भाई इसमें सिंक कर रहे हैं, यानी कि लिप सिंक कर रहे हैं, कोई स्टोरी या फिर कोई मॉडल या फिर कोई भी बड़े लेवल पे कुछ भी नहीं था। हम भी अपने A7 III कैमरा, वैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं वही कैमरा यूज़ कर रहा था और साथ में जो बेसिक लेंसेज की किट है मैं वो यूज़ कर रहा था। हम वैसे शिमला में और यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है राहुल भाई के साथ में। राहुल भाई फुल एक्टिव, ज़बरदस्त एनर्जी एंड सेकंड सिंक डन। वो चलने से पहले कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड हम शिमला में आए और घर वालों के लिए कुछ लेके ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने कुछ पिक क्लिक करी पूछने के लिए कि भाई क्या लाना है, क्योंकि कभी हम ले जाते हैं कुछ और उनको पसंद आता है कुछ, वो कहते हैं कि ये भी तो था ये भी लिया था, तो इससे अच्छा है कि मैं पिक ही सेंड कर दूँ और जो वो कहें वही उठा के ले जाता हूँ। देन शूट करके हम फटाफट एक होटल में गए जो भी नियर बाय होटल था, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया। अब यहाँ से राहुल भाई निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए और हम निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि राहुल भाई को जाना है मुंबई और हमें पहुँचना है वापस घर पे दिल्ली। और दीपक भाई की लव स्टोरी यहाँ भी चालू है एंड घर पहुँचने के बाद मैं शुरू करूँगा इसमें एडिटिंग वर्क, जो कलर ग्रेडिंग एडिटिंग जितना भी सारा प्रोसेस है। देन राहुल भाई इसको अपने यूट्यूब चैनल से डालेंगे जिसपे ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं और इनके इंस्टा पे भी 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और हम चल दिए वापस घर के लिए एंड जो शिमला का एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहा और हमारे फुटेज भी काफ़ी सही निकले और उन सिचुएशंस के हिसाब से जिस तरीके से हमने किया, जो एक बुक लोकेशन नहीं है जहाँ पे हम पैसे देके कोई लोकेशन बुक करें, हम फ्री स्टाइल रोड पे कहीं भी निकाल रहे थे, तो उस हिसाब से आउटपुट सही निकला है और सबको पसंद आया। एंड गाइज ये वर्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो हमने राहुल भाई के साथ किया। एंड गाइज आप अगर मेरे इस टाइप के कंटेंट भी देखना पसंद करते हैं जहाँ पे मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ और पूरा वर्क का एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्या आउटपुट दे रहा हूँ, ओवरऑल सारी चीज़ें, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इस टाइप की वीडियोज़ भी कंटिन्यू रखूँगा जहाँ पे भी मैं जाऊँगा वर्क करने के लिए, वहाँ मैं शूट करके फुटेज पूरी निकाल के लाऊँगा जिससे मैं आपको पूरा प्रेजेंट कर सकूँ कि मैं बाहर एज अ फ्रीलांसर किस टाइप से वर्क कर रहा हूँ और मेरा हर वर्क का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहता है। एंड गाइज मैंने इस चैनल पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल डाले हुए हैं जिससे आप कलर ग्रेडिंग करना सीख सकते हो, वीडियो में पूरा एडिटिंग सीख सकते हो, अगर आपने कभी नहीं सीखा तो भी आप बिल्कुल बिगिनिंग से भी सीख सकते हो। एंड मैंने अपना खुद का पीसी बिल्ड का प्रोसेस भी डाला है कि मैंने एडिटिंग के लिए कैसा पीसी बनवाया है एंड मैंने सिनेमैटिक ब्लॉग्स भी डाले हैं, वो सारी चीज़ें भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।